स्ट्रेचर पर बेहोश पड़ी थी छात्रा, सरकारी शिक्षक ने की छात्रा के साथ जमकर मारपीट। संजय गांधी अस्पताल में नहीं हुआ इलाज तो परिजनों ने सड़क पर लगाया जाम। आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर, खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है। गुरुवार की रात को संजय गांधी अस्पताल के बाहर फिर से बवाल हो गया। बड़ी लोही से बेहोश छात्रा को लेकर अस्पताल पहुंचे परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया। डॉक्टर पर इलाज न करने का आरोप लगाया। पुलिस ने पहुंचकर मामला शांत कराया। छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद ही परिजनों का गुस्सा शांत हुआ। कितने लोग थे उनमें? कितने सर लोग थे? दो लोग थे। सर का नाम क्या है? महेंद्र सिंह बालमुकुंद पांडे। ये कौन सी स्कूल है? सरकारी। कहाँ पे है स्कूल ये? लोही। लोही में? कब की, आज की घटना है ये? कहाँ है मारपीट? कहाँ इसका है? स्कूल के अंदर बेड बेड के मारपीट की है। डंडे से मारे? कहाँ से मारे हैं? लाठी से मारे हैं। ताज़ा मामला सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत लोही का है। आपको बता दें कि लोही प्राथमिक स्कूल में 13 साल के मासूम और उसका भाई पढ़ाई करते हैं। इन दोनों से स्कूल में झाड़ू लगवाई जाती थी, बर्तन भी धुलवाया जाता था। किसी काम से उनके पिता जगवंत साहू स्कूल पहुंचे और उन्हें इस हालत में देख लिया। इसके बाद स्कूल में पिता का शिक्षकों से विवाद हो गया। यहां पदस्थ शिक्षक महेंद्र सिंह पटेल व बालमुकुंद पांडे से छात्र के पिता का जमकर विवाद हुआ। इसी विवाद में छात्र और छात्रा के साथ भी परिजनों ने शिक्षकों के द्वारा मारपीट किए जाने का आरोप लगाया। मारपीट में छात्रा बेहोश हो गई और उसे परिजन लेकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी छात्रा को होश नहीं आया। इससे नाराज परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया और आधी रात को स्ट्रेचर पर रखकर छात्रा को बीच सड़क पर ले गए। गोपाल मेडिकल स्टोर के सामने ही सड़क पर जाम लगा दिया। बैरिकेड लगाकर रास्ता ही बंद कर दिया। जाम लगाए जाने के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर तुरंत मौके पर पुलिस पहुंच गई और परिजनों को समझाइश देकर जाम खुलवाया गया। पीड़ित छात्रा को वापस संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इसके बाद ही मामला शांत हुआ। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। घटना हुई है सर, स्कूल में बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं तो सर जी ये बच्चे से ही झाड़ू पोछा करवाते हैं और बर्तन खाने के लिए धुलवाते हैं और इसीलिए इसके पिताजी बोले कि इससे क्यों करवाते हो, तो पिताजी को भी इसके पेड़ कर मारे और बच्ची गई कि सर मेरे पापा जी को ना मारो तो फिर इसको भी मारे, तो इसके दिमाग में लग गया 3 बजे की ये घटना है और इसके चार मतलब होश ही नहीं आ रही है। यहाँ ले आए हैं हॉस्पिटल में तो एक जेक्शन लगा है, अभी एडमिट नहीं किए हैं। बोले शिकायत थाने में किए हैं? थाने में किए हैं? थाने में अभी हम नहीं गए हैं सर। थाने में 100 नंबर आई थी तो मेरे पति को ले गए। अभी 3 बजे की ये घटना है, 3 बजे से अभी नहीं मारपीट जब किए हैं तो 3 बजे से मतलब हम भैंस लेकर चली गई थी, जब आई 4 बजे तो बच्ची की होश नहीं। इसको बोलते हैं कि झाड़ू लगाओ तो ये नहीं लगाई झाड़ू, इसीलिए मारे हैं इसको, तो फिर ये बच्चा गया पिताजी को बुलाने फिर उसको भी मारे। पिताजी को मारे हैं? हाँ, फिर उसको भी बांध कर मारे हैं वहाँ। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।